गाइस, आप सबको हैप्पी शिवरात्रि। जो भी नॉन मुस्लिम्स हैं उनको तो आज है सैटरडे गाइस, स्कूल ऑफ है, कल भी संडे है, तो दोनों दिन ना थोड़ा टाइम मिल गया है फिर बीच में। वैसे तो मैं ये वीक में तीन हॉलीडेज, मतलब 3 डेज बैक कंटिन्यूसली मैंने हॉलीडे लीव ले ली थी स्कूल में, क्योंकि महक की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि मतलब कुछ भी मन ही नहीं हो रहा था मेरा, इसलिए मैंने कुछ भी बीच में ब्लॉग बनाना छोड़ ही दिया था। अगर तो आज मैंने मॉर्निंग बहुत जल्दी मैं उठ गई, 9 o'clock, ऐसे वैसे लेट से सोई थी। मैं सोच रही थी कि आराम से उठते हैं, आज हॉलीडे है तो। लेकिन क्या होता है ना, एक बार आप एक दिन या दो दिन आप वही रूटीन फॉलो करते हैं तो फिर जब मंडे आएगा ना, तब मेरी सच में आँख ही नहीं खुलेगी, वही सेम थिंग हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा नहीं, ये नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने एज़ यूजल थोड़ा लेट 9 o'clock को मैं उठी हूँ। पूरा घर का काम मैंने आज ख़त्म कर दिया है, क्योंकि मेरे साथ स्पेशली क्या होता है, अगर मैं सोचती हूँ कि बाद में करूँ काम, जो भी घर का स्पेशली जो भी काम रहता है, मैं अगर सोचती हूँ कि नहीं बाद में करेंगे, और टाइम है बाद में करेंगे, ऐसे सोच सोच के सारे काम ऐसे ही रुक जाते हैं मेरे। और बहुत ज़्यादा इवनिंग में डिनर भी बनाना होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा आलस हो जाता है, अच्छा नहीं लगता काम करने के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि अच्छा मॉर्निंग उठकर सारा काम मैं कर दूँगी। देन रमज़ान भी आने वाला है, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, स्पेशली इस बार के लिए, क्योंकि मैंने 2-3 सालों से पता नहीं क्यों ठीक से रोज़े ही नहीं रखे हैं। अच्छी बात नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर से, उससे पहले ईयर में मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, तो उसके बाद मैं मेरी डिलीवरी हो गई थी, महक बॉर्न हुई, तो इस रीज़न के वजह से मैं जितने हो सके उतने मैं रोज़े रही हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं रह पाऊँ, क्योंकि मुझे बीच बीच में टैबलेट्स भी खाने थे और सीजरिंग भी होकर थी मुझे, तो इसलिए स्ट्रिक्टली मना था, तो मैं ठीक से इंजॉय नहीं कर पाई उस मंथ को। अब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हेल्थ अच्छी है। और एक अच्छी बात ये है कि अम्मी और मैं सेम बिल्डिंग में रहते हैं। पहले क्या था कि मैं दूसरी जगह पे, मतलब दूसरी स्ट्रीट में, करीब में ही लेकिन दूसरी स्ट्रीट में रहती थी, तो वहाँ से आकर इफ्तारी करना या सहरी करना ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो मैं अकेले अकेले ही घर पे कर लेती थी। तो एक दो ही ब्लॉग मैंने लास्ट ईयर के बनाकर डाले हैं, अगर आपने देखा है तो। इसलिए मैं इस बार बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ऊपर ये है आराम से मैं जाकर मिलकर, एक्चुअली जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही ज़्यादा वो रमज़ान का वाइब्स बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी मुझे लगता है, क्योंकि अकेले जब आप रहते हैं तो इतना अच्छे से हो नहीं पाता है। तो देखते हैं बहुत ज़्यादा। और एक भी गुड न्यूज़ है जो हमारी फैमिली से है, वो गुड न्यूज़ मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट मंथ बताऊंगी। अभी इस मंथ में अभी 12 दिन और बाकी है, तो मैं नेक्स्ट मंथ बताऊंगी। तो आप कनेक्टेड रहिए गाइस, अगर कुछ होता है तो मैं आपको ज़रूर इस व्लॉग में शेयर करूंगी। वैसे तो काम मैंने ख़त्म कर दिया है, अभी ब्रेकफास्ट करना बाकी है, तो बस मैंने सोचा कि एक जल्दी से छोटू सा व्लॉग बनाकर आपको शिवरात्रि विश कर देते हैं और बता देते हैं कि मैं आज लीव में हूँ, और वॉट एवर इट इज। तो देखती हूँ अगर कुछ होगा तो इसमें ऐड करूंगी, नहीं एज इट इज भी मैं अपलोड कर दूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको तो पता है, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, और प्लीज़ पूरे वीडियोस देखिए, अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए। और मुझे अब थोड़ा लगने लगा है कि हाँ, पीपल आर इंटरेस्टेड इन माई वीडियोज़, लाइक मुझे कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए हैं, व्यूज़ मेरे बढ़ रहे हैं। मैंने रिसेंटली 15 डेज एगो जो है, मुझे एक यूट्यूब की तरफ से मेल आया था कि मैंने 1 lakh व्यूज़ जो है कंप्लीट कर लिए हैं। इट मेक्स मी फील वेरी वेरी हैप्पी। तो आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो मैं बैठी हूँ आराम से अपनी बालकनी में गाइज,
बहुत कम टाइम ऐसा मिलता है। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर बैठ के खा रही हूँ, अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, मैंने बनाया है पास्ता। ये देखिए, स्माइल करो, हाय करो, हाय 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 हाय। हो गए हैं शाम के 6-7 बजे गाइस। मुझे बिना नींद के मेरी आँख बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई है। मैं आँख लिटरली नहीं खोल पा रही हूँ, इतना ज्यादा दर्द है मेरे सर और मेरी आँख में। आप देख ही सकते हो, कल मैं बहुत ज्यादा लेट से सोई थी, पता नहीं क्यों नींद बहुत कम आ रही है मुझे। तो बस उसके बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा मैं ऐसे ही थोड़े इधर उधर के काम कर रही थी। उसके बाद मैंने एक मेकअप व्लॉग बनाया है जो कि मैंने अपलोड कर दिया है, जाकर आप जरूर से देखिए, आई मेकअप व्लॉग। तो बस उतना ही गाइस, कुछ हुआ नहीं। अभी डिनर बनाना है, तो मैं आपको ज्यादा बोर करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए बस एंड करती हूँ ये छोटे से ब्लॉग के साथ। ये भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वो वाला ब्लॉग भी जरूर से देखिए गाइस। तो बाय।